तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम आकाश, तो आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश टेक्निकल माइंड कार्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने खड़ी हुई है महिंद्रा स्कॉर्पियो N। ये इसका Z6 वेरिएंट है और इस गाड़ी के जितने भी वेरिएंट है आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के फ्रंट से। फ्रंट में हमें देखने को मिल जाता है महिंद्रा का न्यू 2 पीक्स वाला लोगो, जो कि अब महिंद्रा अपनी हर गाड़ियों में यूज़ कर रहा है। इस तरफ हम देखते हैं जब ग्रिल्स हमें देखने को मिल जाती है मैट फिनिश में, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगती है। दोस्तों, बात की जाए हेडलैम्प्स की, तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प हमें देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ हमें लो बीम देखने को मिलता है, इस तरफ हाई बीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ इस वेरियंट में हमें फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलते हैं, और जब हम टॉप वेरियंट की बात करें तो फॉग लैम्प के साथ यहाँ पर DRL का ऑप्शन भी दिया जाता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन गार्ड हमें देखने को मिल रहा है मैट फिनिश में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वाइपर देखने को मिल रहे हैं और 2 वॉशर इस गाड़ी में हमें देखने को मिल जाते हैं। साइड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें, तो हम बात करते हैं ORVMs की, तो ORVM का साइज़ काफ़ी बड़ा रखा गया है, उसी में इंडिकेटर हमें देखने को मिल जाता है। जब हम गाड़ी के हैंडल देखते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर में बॉडी कलर में देखने को मिल रहे हैं की लगाने की जगह। फुट स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। जब आप इस गाड़ी में चढ़ोगे ना तो आपको इसकी ज़रूरत समझ में आएगी। नीचे की तरफ डोर क्लैडिंग्स देखने को मिल रही है। टायर्स की बात करें तो 245/60R17 के टायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। बीच में महिंद्रा का 2 पीक्स लोगो देखने को हमें मिल जाता है। और दोस्तों इस गाड़ी में हमें फ्रंट और रियर में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं बैक साइड प्रोफाइल लुक की, तो पीछे की तरफ यहाँ पर स्कॉर्पियो N का बैच देखने को मिल रहा है। टेल लैंप, यहाँ पे इंडिकेटर, ऊपर की तरफ ब्रेक लाइट। यहाँ पे दोस्तों हमें क्रोम में स्कॉर्पियो N का बैच देखने को मिल जाता है। बात करें टेल लैंप्स की, तो यहाँ पे ब्रेक लाइट, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इंडिकेटर। नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है रिवर्स लैंप। बीच में महिंद्रा का न्यू 2 पीक्स वाला लोगो। पीछे एक वाइपर भी हमें देखने को मिल रहा है। टेल गेट को हम कर लेते हैं दोस्तों ओपन। यहाँ पे पीछे हम देखिए, हमें देखने को मिल जाता है क्रोम स्ट्रिप। पीछे की तरफ सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अंदर आप देख सकते हैं ये सीट्स को हम ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे करके दोस्तों हम इसे भी फोल्ड कर सकते हैं और इस वाली सीट्स को भी हम फोल्ड कर सकते हैं। इसे फ़िलहाल हम अभी ऊपर कर देंगे दोस्तों। डोर को करते हैं क्लोज। आइए पैसेंजर रो की तरफ हम चलते हैं। अब दोस्तों हम पैसेंजर साइड डोर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर पर हमें, इससे हम डोर ओपन कर सकते हैं। लॉक ऑन लॉक की बटन, ये विंडो की बटन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसकी मदद से हम डोर को क्लोज कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमें बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, जो भी आप समझना, बॉटल तो यहाँ पे नहीं आएगी लेकिन जो भी आप यहाँ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। नीचे की तरफ एक स्पीकर देखने को हमें मिल रहा है। सबसे पहले हम थर्ड पैसेंजर रो पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक लीवर देखने को मिलता है, जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ दबाएंगे कुछ इस तरह से। मैं अंदर की तरफ चलता हूँ दोस्तों। अंदर जाना तो काफ़ी मुश्किल नहीं है फिलहाल। यहाँ पर दोस्तों जब हम देखते हैं तो लेग रूम थोड़ा कम है, यहाँ पे बच्चे ही बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक हैंडल देखने को हमें दोस्तों मिल रहा है। थर्ड रो से कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड कैबिन। दोस्तों हम सेकंड पैसेंजर रो पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो
यहाँ पे हमें एक मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी लेग रूम हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। बीच में हमें एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, एसी वेंट्स के कंट्रोल, यूएसबी चार्जिंग के लिए यहाँ पर जगह दी गई है दोस्तों। तीन लोग यहाँ पर काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। बीच में हमें एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर बीच में दो कप होल्डर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ऊपर की तरफ हमें एक लाइट देखने को मिल जाती है, रीडिंग लाइट। इस तरफ जब हम देखते हैं तो एक ग्रैब हैंडल, उसमें एक हुक देखने को हमें मिल रहा है। अब दोस्तों हम ड्राइवर साइड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम ड्राइवर साइड डोर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सीट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, इससे जो सीट है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं कंट्रोल सीट के, इससे सीट अप डाउन होती है दोस्तों। यहाँ से हम ये एडजस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसकी मदद से। आप देख सकते हैं अब हम गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बीच में महिंद्रा के स्टेयरिंग के बीच में देखने को मिल जाता है महिंद्रा का टू पीक वाला न्यू लोगो। इस तरफ हमें देखने को मिल रहा है इस गाड़ी के क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर है, म्यूज़िक सिस्टम और फ़ोन के कंट्रोल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं, इस तरफ वाइपर के कंट्रोल, इंडिकेटर भी हमें यहाँ पर देखने को दोस्तों मिल जाता है। बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आइए गाड़ी के अंदर हम एंटर करते हैं। और दोस्तों हम इस गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। इस तरफ हमें देखने को मिल जाते हैं पूरे विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से हम ORVM को सेट कर सकते दोस्तों, जैसे अभी इसे सिलेक्ट। दोस्तों यहाँ पे हमें ORVM के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में हमें यहाँ पर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इस तरफ हमें स्पीड का देखने को मिल जाता है, इस तरफ गाड़ी का RPM, बीच में गाड़ी की सारी डिटेल हमें देखने को दोस्तों मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं अभी गाड़ी कितना चली है, रेंज स्पीड, टाइम, डेट एट सब यहाँ पर हमें देखने को गाड़ी की मिल जाती है। क्रूज़ कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों इस गाड़ी का। इस तरफ देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के वॉल्यूम और फ़ोन के कंट्रोल। अब बात कर लेते गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर रेडियो के कंट्रोल, म्यूज़िक, यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो देखने को मिल जाता है, एप्पल कार प्ले, म्यूज़िक जैसे हम मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम उसे चला सकते हैं, फ़ोन के कंट्रोल, नेविगेशन, इस गाड़ी में हमें नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ढेर सारे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, और ज़ोमैटो भी है। अगर आप लोगों को गाड़ी में भूख लगी है तो आप ज़ोमैटो से दोस्तों बुक कर सकते हैं और वो सीधे आपके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई मजाक की बात। अब हम यहाँ देखते हैं एसी के पूरे कंट्रोल्स देखने को हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, डिफॉगर के कंट्रोल देखने को हमें मिल जाते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल की बटन यहाँ पे देखने को मिल रही है, होम, जैसे ही हम होम पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम होम पे आ जाते हैं दोस्तों, हैजर्ड लाइट की बटन, हैजर्ड लाइट, यहाँ से हम मोबाइल के पूरे कंट्रोल देख सकते हैं, ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिप इसमें टोटल देखने को मिल जाते हैं, जिप, जैप, जूम, इसमें देखते हैं कितने हैं, इसमें जिप, जैप, जूम तीनों देखने को हमें मिल रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं गाड़ी के ग्लव बॉक्स की। ग्लव बॉक्स को हम ओपन करके देख लेते हैं। ग्लव बॉक्स में हमें यहाँ पर
स्कॉर्पियो एन की ओनर मैनुअल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कुछ जगह दी गई है, इसे हम बंद कर देते हैं। उसके थोड़ा ऊपर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एयर बैग स्कॉर्पियो एन का बैच देखने को मिल जाता है। ये एयर बैग भी है यहाँ पर, ये हार्ड में है, ऐसा लगता है कि ये सॉफ्ट है लेकिन ये हार्ड में हमें दिया गया है दोस्तों। एसी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, टोटल 4 एसी वेंट्स आगे की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कॉइन ऑइन रखने की जगह है दोस्तों। इस तरफ वेनल्टी की बात करें तो यहाँ पे टिकट होल्डर या वेनल्टी मिरर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये उसका नीचे वाला वेरिएंट है, इसलिए दोस्तों इसे कर देते हैं हम बंद। इधर पे हमें लाइट्स देखने को मिल जाती है, इसे हम प्रेस करते तो ये वाली जलेगी, इसे प्रेस करेंगे तो ये वाली, और इसे प्रेस करेंगे तो ये डोर के वहाँ लाइट ऑन हो जाती है दोस्तों। सनग्लास होल्डर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, वेनेटी यहाँ पे भी कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरफ अब हम गाड़ी की सनरूफ ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जो सनरूफ है इसे स्लाइड करके हमें ओपन करनी होगी कुछ इस तरह, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बटन दी गई है, बटन को जैसे हम प्रेस करके रखेंगे सनरूफ ओपन हो गई है दोस्तों। सनरूफ के बाहर के नज़ारे आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह अब हम दोस्तों सनरूफ गाड़ी की बंद कर देते हैं। अब हम इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं दोस्तों, तो बाहर की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच, क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल है। इसका हम एक बार बोनट ओपन करके देख लेते हैं कि इंजन के अंदर ऐसा क्या है दोस्तों। देते हैं क्लोज, और जैसे ही दोस्तों हम बोनट को ओपन करते हैं तो चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे एक अंदर की तरफ एक लीवर होता है जिसे हम ऐसा करेंगे, तो ये 2 सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन कुछ इस तरह गाड़ी का हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इंजन की सारी डिटेल आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। बोनट को हम कर देते हैं क्लोज, बोनट हो चुका है क्लोज दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।